Now another C program based on number system conversion. Just this case for perform करें how to converting any hexadecimal number into equivalent binary formats. सबसे पहले इसके लिए मैं logic provide कर रहा हूँ. For examples, hexadecimal के केस में बात करें तो hexadecimal के अंदर total number of possible digits कितने इधर में भी है 15 digits. Sorry 16. Same as binary के respect में बात करें जिसमें provide कर रहा हूँ equivalent binary digits. Hexadecimal के इसमें possible digits क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then A, B, C, D, E, F. जस्ट इसका इक्विवेलेंट अगर आप बाइनरी नंबर ऐड करोगे मींस बाइनरी नंबर कितने डिजिट्स में रिप्रेजेंट होगा 4 डिजिट्स विद रिस्पेक्ट टू हेक्साडेसिमल. क्या हेक्साडेसिमल के अंदर मैक्सिमम डिजिट क्या है F और F के केस में F के इसके इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू 15 मींस F का डेसिमल क्या 15 और 15 का बाइनरी नंबर क्या आता है जस्ट 4 टाइम्स 1. व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ F 4 टाइम्स 1. 4 टाइम्स 1 को स्टोर कराने के लिए मैक्सिमम डिजिट्स कितने रिक्वायर्ड है 4 डिजिट्स. इसलिए हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट्स बाइनरी फॉर्मेट में कितने बिट्स है ऑक्यूपाई करेंगे 4 डिजिट्स और 4 बिट्स. देन 1 के केस में 0 0 1 0 0 1 0. 3 के केस में क्या होगा 0 0 1 1 0 1 0 0. 5 के केस में क्या होगा 0 1 0 1 6 0 1 1 0 7 0 3 times 1. 8 के केस में क्या आएगा जस्ट 1 3 times 0. इन केस ऑफ 9 के केस में क्या आएगा 1 0 0 1. देन ए मींस 10 के केस में क्या आएगा 1 0 1 0. देन बी मींस 11 और 11 के केस में क्या आएगा जस्ट 1 0 1 1. नेक्स्ट वन सी इज 12 के केस में क्या आएगा 12 इज सिमिलर टू 8 + 4 मींस 8 + 4. देन 13 के केस में क्या आएगा 1 1 0 1. नेक्स्ट वन 14 1 1 1 0. नेक्स्ट टाइम फाइनली क्या है जस्ट 4 टाइम 1. दिस इज द इक्विवेलेंट केस. मींस जस्ट मैं इस लॉजिक के गिवन टेबल के बेसिस पर जस्ट आपको लॉजिक प्रोवाइड करूँ. तो अगर आपके पास कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर अवेलेबल है फॉर एग्जांपल्स लाइक दैट दिस इज द गिवन हेक्साडेसिमल एरे. इसे हेक्साडेसिमल के सारे डिजिट्स स्टोर कराओ किसी एरे के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स. तो इस केस में जस्ट मैं टोटल 3 केस हाईलाइट कर रहा हूँ. फर्स्ट केस में सपोज दैट मैंने कोई मिस इस केस में एरे के अंदर कोई हेक्साडेसिमल नंबर एंटर कराया जा 4D9. देन इट एरे टर्मिनेट किससे हो जाएगा नल कैरेक्टर. इसे एरे का नेम क्या है मिस जस्ट H इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 लाइक दैट. देन इस केस में जस्ट मुझे परफॉर्म क्या कराना है इसे हेक्साडेसिमल के डिजिट्स के अकॉर्डिंग जनरेट क्या करना है इक्विवेलेंट बाइनरी. तो बाइनरी वैल्यू और बाइनरी रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए अगेन एक और एरे क्रिएट होगा. इस एरे के अंदर सारे डिजिट्स किस फॉर्म में होंगे बाइनरी फॉर्मेट. आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल का एक सिंगल डिजिट बाइनरी नंबर के 4 डिजिट्स और 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा. अगर आप इस केस में टोटल 3 डिजिट्स हैं तो मिस इसके लिए कितने बिट्स रिक्वायर्ड हैं 4 बिट्स 4 बिट्स 4. मिस टोटल साइज इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर कितने बिट्स में स्टोर होगा 12 बिट्स प्लस इस एरे को टर्मिनेट किससे कराएंगे नल से. तो इसलिए आप बाइनरी एरे के केस में इसका मैक्सिमम साइज यूज करोगे बी 0 1 2 एंड सो ऑन लाइक दिस. उसके बाद जस्ट मैं लॉजिक डिस्कस कर रहा हूँ. लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है जो भी बाइनरी एरे सॉरी हेक्साडेसिमल एरे इसे हेक्साडेसिमल एरे को 1 by 1 रीड करोगे. इसके सारे एलिमेंट 1 by 1 रीड करेंगे. इनपुट में पास क्या करेंगे फंक्शन के अंदर हेक्साडेसिमल एरे का एड्रेस. रिटर्न क्या हुआ बाइनरी एरे का एड्रेस. तो उसके इसमें हेक्साडेसिमल भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप स्ट्रिंग के फॉर्म में और रिजल्ट भी किस फॉर्मेट में आएगा ऑल्सो स्ट्रिंग. क्लियर. इसलिए फंक्शन के केस में फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे कैर स्टार. देन परफॉर्म क्या कर रहे हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हेक्स टू बिन. देन आर्गुमेंट टाइप आर्गुमेंट में क्या पास करोगे जस्ट कैर स्टार और पास क्या करने वाले इस केस में हेक्साडेसिमल एरे का एड्रेस. इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ पॉइंटर नेम एज एच. नेक्स्ट वन सबसे पहले परफॉर्म क्या कराना है इसे एरे के एलिमेंट्स को 1 by 1 ट्रेवर्स कराना है. ट्रेवर्स करने के लिए इंडेक्स वैल्यू मैनेज करेंगे आई और आई का इनिशियल वैल्यू क्या यूज करोगे जस्ट 0. देन इंट आई
फॉर लूप के रिस्पेक्ट में स्टार्टिंग कहाँ से करें, फ्रॉम i इक्वल्स टू 0 प्लस ए लूप कब तक चलाना है, जब तक h ऑफ i के अंदर आपको नल फाउंड नहीं हो जाता, मीन्स वाइल h ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू नल, एवरी टाइम i में इंक्रीमेंट कितने से कराओगे, 1 से, क्लियर। दिस इज द गिवन लॉजिक। तो फर्स्ट टाइम जब i क्रिएट होगा तो i के रिस्पेक्ट में जस्ट चेक करो i का इनिशियल वैल्यू क्या है, जस्ट 0। तो इस केस में एक्सप्रेशन में क्या पास होगा, h ऑफ 0 में डिजिट क्या फॉर्म हो रहा है, कैरेक्टर 4, इसे 4 डिजिट है कैरेक्टर्स। इस केस में मिस टोटल हेक्साडेसिमल एरे के अंदर पॉसिबल डिजिट्स कितने हो सकते हैं, फ्रॉम 0 टू f, मिस 16 डिजिट। तो 16 डिफरेंट डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मैं मैनेज क्या कर रहा हूँ, स्विच केस, मिस एवरी टाइम लूप के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं सेम एलिमेंट सप्लाई कराएंगे इनसाइड स्विच स्टेटमेंट h ऑफ i, एच ऑफ आई के अंदर जो भी एलिमेंट पास हो रहा है, इस केस में हेक्साडेसिमल के केस में डिजिट्स कितने हैं 16, इसलिए टोटल आप केस कितने इंप्लीमेंट करो, 16 केस के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या करें, फॉर एग्जांपल जस्ट ऑपरेशन, फर्स्ट टाइम आपको क्या मिला इस केस में कैरेक्टर 4, तो कैरेक्टर 4 के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट स्ट्रिंग क्या है, 0100, तो 0100 को एज अ स्ट्रिंग आप असाइन किस में करा लो, बाइनरी एरे में। तो इस केस में जस्ट कॉल क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, मीन्स इस केस में आपको अपेंड कराना, नेक्स्ट टाइम जो भी डिजिट होगा वो लास्ट में अपेंड होगा, इसलिए परफॉर्म क्या करें, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ऑपरेशन। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जस्ट स्पेस पर कॉल क्या करें, strcat, और strcat के अंदर जस्ट फर्स्ट टाइम वन मोर, इस केस में याद रखना फर्स्ट एलिमेंट में असाइन करना चाहिए शुड बी नल। strcat के अंदर डेटा किस में कॉपी कराना, बाइनरी एरे में, और बाइनरी एरे में इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या कॉपी कराना, 0100, क्लियर, देन क्लोज दिस। जैसे ही लूप एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम स्विच केस कौन सा, मैं स्विच केस के अंदर कौन सा केस मैच होगा, कैरेक्टर 4, इसे सारे वैल्यू कैरेक्टर्स के फॉर्म में होंगे, इसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या कॉपी करा लेंगे इस प्लेस पर, कॉन्केटिनेशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टर 0100, क्लियर, देन फाइनली अगेन टर्मिनेट किससे हो जाएगा, इस फंक्शंस के थ्रू नल से। नेक्स्ट टाइम अगेन नेक्स्ट टाइम एलिमेंट क्या पास होगा, i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंडेक्स में क्या, डी, तो डी के अकॉर्डिंग जब कैरेक्टर डी मैच होगा तो डी के अकॉर्डिंग सेम एरे के अंदर अगेन लास्ट में फिर से आप कॉन्किनेट क्या करोगे, न्यू स्ट्रिंग, डी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग क्या कॉन्किनेट होगा, 1101, तो इस प्लेस पर एड क्या करा लेंगे, 1101, देन अगेन ये टर्मिनेट किससे हो जाएगा, नल से। तो आपको पता होना चाहिए सेकेंड टाइम इस केस में एग्जीक्यूशन किस टाइप से हुआ, strcat b, इसके इसमें पास क्या हुआ, 1101, क्लियर, नेक्स्ट वन। लेकिन ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस केस में आएगा, 4, केस 4, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस केस में आएगा, केस डी, लाइक दैट। इस टाइप से आप डिफरेंट टोटल पॉसिबल केस कितने अप टू एफ, तो टोटल 16 केस इंप्लीमेंट करने की नीड होगी। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई केस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड इंडेक्स में क्या है, 9, तो 9 के अकॉर्डिंग अगेन अपेंड क्या हो जाएगा, 9 का करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग वैल्यू है 1001। नेक्स्ट टाइम सेम फंक्शन strcat में पास किया जाएगा 9 के अकॉर्डिंग, कॉल क्या करें, अगेन strcat, मीन सभी केस के अंदर एवरी टाइम कॉल क्या करोगे, strcat, इस बार बाइनरी एरे में अपेंड क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू, मीन कॉन्किनेट, कॉन्केट ऑपरेशन हमेशा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में गिवन स्ट्रिंग को कॉन्किनेट करेगा, इस केस में कॉन्किनेट क्या हो जाएगा, 1001 इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, क्लियर, फाइनली नल, क्लियर। इसके जस्ट वन नेक्स्ट टाइम h ऑफ i का वैल्यू क्या हो जाए, नल, नल के केस में लूप जस्ट स्टॉप हो जाए, क्लियर। जो भी आपके पास बाइनरी नंबर जनरेट हुआ, बाइनरी नंबर स्टोर किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी एरे, तो इस केस में आप जस्ट रिटर्न क्या कराओ, वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी एरे और एड्रेस ऑफ बाइनरी एरे। तो स्विच के अंदर जस्ट केस मैनेज करना आपको, केस फर्स्ट केस, केस 0, फर्स्ट केस क्या है, केस 0, केस 0 के अकॉर्डिंग जस्ट कॉल क्या कराओगे, strcat फंक्शन, strcat के अंदर आर्गुमेंट में क्या पास करेंगे, बाइनरी एरे प्लस इसका अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग क्या पास करो, अपेंड कराओगे 4 times 0, देन इसके जस्ट बाद रिक्वायर्ड क्या हुआ, ब्रेक द स्विच स्टेटमेंट, इस अगर आप इस केस में ब्रेक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करो तो रिमेनिंग सारे के सारे केस एग्जीक्यूट होंगे, इसलिए यूज क्या करेंगे, ब्रेक। सिमिलरली नेक्स्ट केस, केस 1, अगेन वी आर कॉलिंग strcat, और करेंटली h ऑफ i का वैल्यू क्या है, h ऑफ i में क्या है, कैरेक्टर 1, तो कैरेक्टर 1 के अकॉर्डिंग
वैल्यू क्या प्रिंट कराएंगे, 0001। इस केस में सप्लाई क्या करोगे, 0001। देन अगेन वी आर अप्लाइंग ब्रेक स्टेटमेंट, क्लियर। इस टाइप से आप टोटल कितने केस प्रोवाइड करोगे, अप टू केस 9। आप रिमेनिंग केस खुद से राइट कर लेना, केस 9 सब कुछ कैरेक्टर्स के फॉर्म में पास होगा कॉलन। देन केस 9 की केस में आप अपेंड मीन्स सपोज दैट ये सारे केस में कंप्लीट कर चुका हूँ। देन केस 9, 9 की केस में अपेंड क्या हुआ, 1001 strcat b कॉमा 1001। देन अगेन वी आर अप्लाइंग ब्रेक स्टेटमेंट, फिर से याद रखना आपको इस प्लेस पर मिडिल में रिमेनिंग सारे केस क्या मैंने करना, 2, 3, 4 अप टू 9। 9 के बाद नेक्स्ट कमिंग केस क्या है, ए। तो ए के रिस्पेक्ट में अगेन क्या प्रोवाइड करो, केस कैरेक्टर ए, सब कुछ कैरेक्टर्स के फॉर्म में पास हो रहा है। स्पेशली याद रखना डिजिट्स नहीं होना चाहिए, सिंगल कोड में पास होना चाहिए, strcat b कॉमा मीन्स जस्ट अभी पास किया हुआ ए, और ए क्या 10, 10 का बाइनरी नंबर क्या है 1010। देन ब्रेक दिस स्टेटमेंट, ब्रेक द मीन्स ए के अकॉर्डिंग क्या आएगा, जस्ट 1010, बी के अकॉर्डिंग क्या आएगा 1011। तो नेक्स्ट टाइम अगेन केस ऑफ बी, strcat बाइनरी आ रहे बी 1011। देन अगेन वी आर अप्लाइंग ब्रेक स्टेटमेंट, फिर से अप्लाई क्या करोगे, मीन्स सारे के सारे केस टर्मिनेट किससे कराएंगे, ब्रेक से। देन अगेन केस सी, टोटल कितने केस आएंगे इस केस में, अप टू एफ, केस डी, केस ई, एफ, क्लियर। सी के रिस्पेक्ट में कॉन्फिनेट क्या कराएंगे, एस टी आर सी ए टी बाइनरी अरे बी, सी के अकॉर्डिंग करेस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग क्या है 1100। तो इसलिए अपेंड क्या कराओ इस केस में 1100। देन अगेन वी आर अप्लाइंग ब्रेक स्टेटमेंट एवरी टाइम। नेक्स्ट टाइम अगेन एस टी आर सी ए टी, नेक्स्ट टाइम क्या है जस्ट डी, डी मीन्स 13, और 13 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है 1101। क्लोज दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट टाइम क्या ई, ई के अकॉर्डिंग अगेन क्या एस टी आर सी ए टी, देन अगेन क्या पास करेंगे बाइनरी अरे बी, बी पास करने के जस्ट बाद अगेन क्या है पास के मीन्स केस क्या ई, और ई के अकॉर्डिंग क्या आएगा 3 times 1 0। फाइनली लास्ट केस एस टी आर सी ए टी देन बी कॉमा सप्लाई क्या करो 4 times 1। क्लोज दिस, देन एवरी टाइम प्रोवाइड क्या करना होगा आपको, ब्रेक स्टेटमेंट। देन अगेन ब्रेक, इसे गिवन लॉजिक्स के थ्रू किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट टू बाइनरी में कन्वर्ट कराना पॉसिबल है। देन फाइनली लास्ट केस में इंप्लीमेंट करेंगे जैसे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मीन सम इनवैलिड केस। उस केस में जस्ट डिस्प्ले के करा लोगे सम मैसेज पुट्स इनवैलिड डिजिट, मैसेज एज इनवैलिड डिजिट समथिंग। देन क्लोजिंग दिस स्विच स्टेटमेंट, क्लोजिंग दिस फॉर लूप, देन फॉर लूप के बाद आप रिटर्न क्या कराओगे इस प्लेस पर, रिटर्न रिजल्ट किस में स्टोर था जस्ट बाइनरी एरे में, बाइनरी एरे का नेम क्या है जस्ट बी। इस केस में बाइनरी एरे क्रिएट नहीं करा, इस केस में डिक्लेरेशन किसके लिए प्रोवाइड करना है, इंटीजर आई प्लस इसके अलावा एक और एरे क्या रिकॉर्ड हुआ, बाइनरी एरे टाइप क्या यूज करना है इसका, एज अ स्टैटिक, स्टैटिक कैर बाइनरी एरे को मैंने बी से रेफर किया है, उसका साइज क्या समथिंग एनी साइज, आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो जनरली इस केस में देखा जाए तो। अगर आप इंटीजर्स के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करें, इंटीजर के केस में साइज क्या होता है 32 में हेक्साडेसिमल डिजिट्स कितने मैनेज करना, जस्ट 8, तो आप साइज ले सकते हो 9, मैंने मैक्सिमम साइज किया जस्ट 33। नेक्स्ट वन रिटर्न क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ बाइनरी एरे बी, एंड फाइनली क्लोजिंग दिस फंक्शन। नेक्स्ट वन वी आर इम्प्लीमेंटिंग मेन फंक्शन, इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए जस्ट कॉल क्या करोगे, यूज़ क्या करें, मेन फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी स्पेशल केस मैनेज नहीं करना है, जस्ट सिंपल लॉजिक्स वॉइड मेन, इस केस में जस्ट इनपुट को रीड करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सम एरे बाइनरी एरे, डेटा किस फॉर्म में रीड कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल। तो इसलिए इस केस में यूज़ क्या करें,
h ऑफ समथिंग 10, देन पॉइंटर बाइनरी एरे का एड्रेस स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड किया वो पॉइंटर, देन स्कैन ऐप के थ्रू वैल्यू रीड कराएंगे स्कैन ऐप, देन परसेंट, इस केस में मैं चाहता हूँ ओनली वैलिड हेक्साडेसिमल डिजिट कीवर्ड से रीड हो, इसलिए सप्लाई किया कर रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैंने कंसोल ऑपरेशन में रेगुलर एक्सप्रेशन सेपरेटली डिस्कस किया ड्यूरिंग स्कैन ऐप फंक्शन, आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं इस केस में। जस्ट हेक्साडेसिमल के केस में वैलिड डिजिट्स क्या हूँ 0 to 9 एंड A to F, या मैं कैपिटल लेटर सी कंसिडर करूँ तो इसे पास क्या करूँ इसको एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन 0 to 9 एंड A to F। अगर आप लोअर केस में वैल्यू रीड करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल डिजिट रीड करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई क्या करोगे स्मॉल ए स्मॉल एफ प्लस इस प्लेस पर केसेस के अंदर भी यूज करेंगे स्मॉल ए बी सी डी, क्लियर। नेक्स्ट वन परसेंट देन एस क्लोजिंग, वैल्यू रीड किसके लिए हो रहा है एरे एच के फॉर्म में, तो वैल्यू रीड कराने के बाद जस्ट कॉल क्या करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी फंक्शन हेक्स टू बिन प्लस इसमें इनपुट में पास करोगे हेक्साडेसिमल एरे एच डिस्प्ले करा लेंगे पुट्स वैल्यू ऑफ बी, क्लियर। इस तरह से गिवन लॉजिक्स के थ्रू किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पॉसिबल है।